प्रदेश सरकार ने सागर केंद्रीय जेल में एक ऐसा फरमान जारी किया है जिसे आप तुगलकी कहेंगे। इस फरमान में बहन भाई दोज पर अपने भाई की सूरत तो देख सकती है लेकिन उनकी कलाई पर डोरा नहीं बांध सकती। सुरक्षा के तहत किए गए जेल प्रबंधन के इंतजामों में बुद्धात्मक सुरक्षा के सारे अर्थ बेईमानी हो गए, जिसमें एक बहन अपनी भाई के माथे पर टीका और उसकी कलाई पर डोरा बांधकर ईश्वर से अपने भाई की सुरक्षा की दुआ मांगती है। भाई दूज के इस होली त्योहार पर दूर दराज से आई कई बहनें इस आस में जेल परिसर में बैठी थीं कि वो अपने भाई की कलाई पर डोरा और माथे पर टीका लगाएंगी। जो भाई जेल में अपने अपराधों की सजा काट रहे हैं, बहन अपने भाई को मिठाई खिलाने आई थी लेकिन उन्हें निराशा तब हाथ लगी जब उनके बीच एक कांच की दीवार थी। इस दीवार के पार वो अपने भाई को देख तो सकती थी लेकिन उन्हें छू नहीं सकती थी। 1500 की संख्या के इस केंद्रीय जेल में सारे भाई अपनी बहनों से टीका और डोरा बंधवाने से वंचित रहे। मजबूरन बहनों ने दबी जुबान से अपना गुस्सा जाहिर किया। फोन पता नहीं दे रहा, ना आवाज आ रही है, ना कुछ नहीं, बस ऐसे ही ना खाने खाना देने दे रहे हैं, कुछ नहीं करने दे रहे हैं। तो आपने सामने मिलने नहीं दिया? नहीं, हाँ बीच में कांच लगा था, आवाज भी नहीं आ रही थी, सिर्फ देख रहे थे। वही केंद्रीय जेल के जेलर साहब से जब हमने इस बारे में बातचीत की तो उनका कहना था कि हमने किसी को मिलने से नहीं रोका। हाँ इतना जरूर है कि मिलाप के बीच कांच की दीवार है जो सुरक्षा के लिहाज से उठाई गई है। इस त्योहार पर अक्सर मुलाकात के दौरान मादक पदार्थों या अन्य सामग्री जेल के अंदर चली जाती थी जो काफी खतरनाक हो सकती है। हालांकि सागर में इसे सुरक्षा के लिहाज से प्रयोग के तौर पर किया गया है। भाई दूज को लेके जेल में पूर्व परंपरा अनुसार ये अंदर से मुलाकात कराई जाती है, क्योंकि सीमित बंदियों की जब से फरारी हुई है तब से जेल प्रशासन ने बहुत नियमों परिवर्तन कर दिया है और वैसे भी खुली मुलाकात का नियम नहीं है। पहले पूर्व में कम बंदी हुआ करते थे तो मुलाकात आसानी से हो जाती थी, करा दी जाते थे। हमारी जेल की क्षमता वर्तमान में 846 बंदियों की है, उसके अगेंस्ट में 1500 बंदी वर्तमान में, तो खुली मुलाकात करा पाना संभव नहीं हो पा रहा है। और जैसे कि शासन ने बंदियों के परिजनों का जो सामान अंदर जाता है उसे प्रतिबंध लगा दिया, तो सामान में प्रतिबंध, सामान नहीं जाएगा तो खुली मुलाकात अंदर से कराने में कोई उचित नहीं। चूँकि भाई दूज है आज तो विंडो मुलाकात हम करा रहे हैं, उनके परिजन कोई भी लौट के नहीं जाएंगे, पुरुष महिला जो भी आएगी सभी लोग मुलाकात कराएंगे सभी की, और मुलाकात का समय बढ़ा दिया जाएगा, 12:30 बजे तक मुलाकात होती है, हम उसको 1:30 बजे 2 बजे तक भी करा देंगे यदि बदले परिजन। वहीं प्रशासन और सरकार लाख दावा करे कि जेल में सब कुछ ठीक है, लेकिन जेलर का बयान न सिर्फ सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े करता है बल्कि सरकार के उस बयान को चुनौती देता है जिसमें सिमी एनकाउंटर के बाद हुक्मरान बोले थे कि अब जेल में सब कुछ ठीक है। सागर एक्सप्रेस न्यूज की रिपोर्ट।